समस्त किसान नेतागण बोलो सो निहाल। राम राम, नमस्कार। सम्मानित किसान भाइयों, मातृ शक्ति, मंच पर बैठे हुए सभी किसान नेता, मैं इस मंच के माध्यम से दो ही मिनट आपकी लूंगा। मैं इस मंच के माध्यम से देश के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, मोदी जी, ये देश आपने नहीं बनाया, इस देश का संविधान आपने नहीं बनाया, ये किसान आपने नहीं बनाया, किसान का खेत खलिहान आपने नहीं बनाया, ये किसान देश की आत्मा है, देश की आत्मा। अगर आप देश की आत्मा को लहूलुहान करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, निश्चित तौर पर आपका सर्वनाश हो जाएगा अगर देश की आत्मा को आप लहूलुहान करने का प्रयत्न करोगे तो। क्योंकि 47 में सुई नहीं बनी थी देश में, ये किसान सबसे पहले, पूरा देश जो आत्मनिर्भर हुआ है वो किसानी पे हुआ है, वो अनाज से हुआ है, हमने पूरे देश का पेट भरा है। अगर आप देश की आत्मा को लहूलुहान करोगे तो ये फिर देश आपको बख्शेगा नहीं। और जो हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता हैं उनकी भी मैं यहां प्रशंसा करूंगा, क्योंकि मेरे से बोलने पहले बोलने वाले वक्ताओं ने ये कहा भाई अलग अलग बातें रखी, मगर मैं तो ये कहूंगा इनकी रणनीति बहुत अच्छी थी। जो हमारे नेता हैं उनकी रणनीति बहुत अच्छी थी, इन्होंने सरकार की मंशा को देखने के लिए, भाई सरकार हमारे से बार बार बात कर रही है, एक बार आंदोलन को ढीला करके देखो सरकार की मंशा क्या है। लेकिन सरकार की मंशा तो वही लाठी डंडा गोली की मिली, ये धरना हमारे नेताओं ने जानबूझ के ढीला कराया था, भाई शायद सरकार आपकी मान जाए, लेकिन सरकार तो वहीं की वहीं खड़ी है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लाखों लोग दिल्ली में गए और किसी ने मूंगफली का पापड़ या मूंगफली तक नहीं उठाई, उन्हीं के घुसाए लोग, सरकार के घुसाए लोग, ये सरकार का आखिरी षड्यंत्र आपके खिलाफ था, उन्हीं के घुसाए लोगों ने वो शरारत की है। और ये क्या किसान नेताओं को और किसानों को जेल से डराते हैं हुक्मरानों? मोदी जी, शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो दो महीने से किसान यहां रोड पे बैठा है, इससे बड़ी जेल क्या है? जेल में तो सारी फैसिलिटी मिलेंगी, कम से कम कंबल ओढ़ना, अंदर लौटना सब कुछ मिलेगा, इससे बड़ी जेल तो आप बता दो। ये दो महीने से किसान जेल ही काट रहा है। अब तो मैं ये कहूंगा मोदी जी को, जिन्होंने गिरवी लिया हुआ है उनसे भी आप अपील करो, अडानी और अंबानी से, 22 देश के प्रधानमंत्री का पेंडा छोड़ दे और तुम इसको बोल दे तीनों काले कानून अपने वापस ले ले, ताकि किसान अपने घर चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, ये किसान का भाईचारा मजबूत है, अटूट है, और मैं किसान का बेटा हूं, हम तन धन से आपके साथ हैं। किसान एकता, किसान एकता, किसान भाईचारा। एक छोटी सी बात और रखूंगा, देखो भाई, जो हमारे देशी लोग समझ जाएंगे, गांव में सरपंच जी भामसरों समिति से किसी ने बना दिया कराना है तो वह पूरे गांव को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कराया करे, और उसकी जिम्मेवारी भी बन जाया करे पूरे गांव को साथ लेकर चलने की। तो मैं मोदी जी से विशेष तौर से हरियाणा की तरफ से कहना चाहूंगा, हरियाणा ने 10 सीटें लोकसभा की, 10 की 10 सीटें आपको दी हैं, आपको सर्व समिति से हरियाणा ने आपको प्रधानमंत्री मानना है, आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि पूरे स्टेट ने आपको सर्व समिति से देश प्रधानमंत्री बनाया है 10 की 10 सीट देके। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है, जो हमारे बीच के भाई मेंबर पार्लियामेंट है वो आज किसान के पक्ष में एक भी नहीं बोल रहा। इन्हीं शब्दों के साथ किसान एकता, जय हिंद, धन्यवाद।